हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? परहैप्स यू आर फाइन। टुडे ज्योग्राफी लेसन नेम इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज, इट इज कॉल्ड इन हिंदी अपवाह। ड्रेनेज मीन्स, हिंदी में अपवाह है, और अपवाह का मतलब होता है कि जल निकासी। जिस तरह से हमारे घरों में जल नाली के माध्यम से निकल जाता है, उसी तरह से पूरे देश का जो जल व्यवस्था है उसकी कैसे निकासी होती है, इस बात को आपको समझना है। जैसे घर की ही बात कर लें, तो जैसे घर पर अगर बारिश हो रही है तो पहले पानी छत पर आया, छत के बाद में पाइपलाइन से पाइप के द्वारा आंगन में आया, या डायरेक्ट ही सीवरेज से होकर पानी निकल जाता है। उसी तरह से पूरे देश की व्यवस्था कैसे होती है जल निकासी की, उसे आपको समझना है। इस पर मैं कम से कम दो वीडियोस बनाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है ड्रेनेज। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टूगेदर टू फ्रॉम फॉर्म ऑफ मेन रिवर्स विच अल्टीमेटली ड्रेन इंटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज ए लेक और सी और एन ओशियन। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र के द्वारा इसे समझा जा सकता है। उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, जो अंततः किसी झील, समुद्र या महासागर में होता है, यानी उसमें जाके वो मिल जाती है, गिर जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। देयर आर मैनी रिवर्स, मेन रिवर्स इन इंडिया। द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाई ए ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेंसुलर रिवर्स। यानी जो अपवाह तंत्र है इसे मुख्यतः दो नदियों में विभाजित किया गया है, दो तरह की नदियों में, वो है हिमालय की नदियां तथा भारत प्रायद्वीपीय नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनके बारे में समझना है। द हिमालयंस रिवर्स, द हिमालयंस रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग और एंड आर ज्वाइंड बाई मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हैं, मैं ये लंबी नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण बड़ी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, और इनकी नदियों की सहायता से जो सहायक नदियाँ हैं इन सबको मिलाकर नदी तंत्र कहा जाता है, रिवर सिस्टम कहा जाता है। द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो जो नदी तंत्रों की जो बात हो रही है, तो सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां हैं। मैन नदी तो सिंधु है,
और बाकी इसकी अन्य सहेलियां हैं, सखियां हैं, यानी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो मुख्य नदी के जल में आके मिल जाएं, उनके जल को बढ़ा दें, उनको और ज़्यादा जल से समृद्ध कर दें। द रिवर इंडस रिवर सिस्टम, द रिवर इंडस राइजेज इन टिबेट नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट इट इंटायर इंडिया इन द लद्दाख। इट फॉर्म्स अ पिक्चर स्क्वायर जॉर्ज इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर द नुब्रा श्योक हुंजा आर मैनी रिवर्स। सिंधु नदी एंड सिंधु फ्लोस थ्रू बलूचिस्तान एंड गिलगिट एंड इमेज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक द सतलज द बेतवा द बीस द रावी द चेनाब द जैन झेलम ज्वाइन टूगेदर एंटायर इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि ये पंजाब पांच मुख्य नदियां हैं, ये सतलज ब्यास रावी चेनाब और झेलम, ये आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंध में मिल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए ये पंजाब पांच नदियां हैं। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. यानी ये नदी आकर कहाँ गिरती हैं? Arabian Sea में। The Indus plain has very gentle slope, यानी बहुत ही बढ़िया ये मैदान है उपजाऊ है, with a total length of 2900 kilometer. The Indus one the large river of the world. A little over a third of the Indus Basin located Indian Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and rest in the Pakistan. यानी ये इन सभी हमारे प्रदेशों में और पाकिस्तान में बहती है। द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड एट हरिद्वार। द गंगा emerges from the mountain on the plains. The Ganga is joined by the many tributaries from the Himalayas, a few them being major rivers such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Koshi. The river Yamuna rises from the Yamunotri Glacier in the Himalayas and flows the parallel to Ganga and as a right bank tributary meet in Ganga at Allahabad, that is called the Prayagraj. The Ghagra, the Gandak and the Koshi rise in Nepal, Himalaya. They are the rivers which flood parts of northern plains every year, causing widespread damage to life and the property where they enrich the soil or agriculture use.
कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नदियाँ हैं ये बहती हैं, पूरे देश में बहती हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही भी मचाती हैं, मगर भूमि को उपजाऊ बना देती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, द ब्रह्मपुत्रास रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्रास राइजेज इन टिबेट ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। Very close to source of the Indus and the Satluj. It's slightly longer than the Indus. The most it is course lies outside India. It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, 7,757 meters, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Hence it is called the Dihang and the joined by the Debang, the Lohit and many other tributaries from Brahmaputra in Assam. Brahmaputra Nadi Mansarovar Jhil ke nazdeek se nikli hai, bahut ठीक से बहती है। इस नदी में कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते। 7,757 मीटर नामचा पर्वत शिखर है, उसके पास से ये यू आकार के मोड़ बना लेती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, कोनेरा दूसरी सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। In the Tibet, the river carries a smaller volume of water, less silt. मतलब इसमें कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते क्योंकि ये पथरीले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। Hence the river carries a large volume of water, consists amount of silt. The Brahmaputra has a very channel in entire length of Assam. Many rivers lend to remember the names of world's largest rivers. Islands form the Brahmaputra. Okay, fine, thank you.